ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरभो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूने सैभम गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप सत्संग जीओ जय श्री दीवार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जेदे श्लोक सहस्कृत दे चने पौड़ियां ब्रज भाषा दे चने श्लोक दे जो मूल भाव धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वर्णन कर दिता है ये धर्म दी शिखरता दी विचार है। जिस भी किसी दे अंदर अदृश्य का प्रभाव पै गया है दृश्य संसार है अदृश्य निरंकार है दृश्य तो प्रभावित होना बड़ी सौखी खेड अखा ने देखे है प्रभावित हो गए अखा मूल रूप विच या मनुख अखा दे राही मूल रूप विच जिस प्रभाव हेठ अपना जीवन व्यतीत करता है वो है धन प्रभुता ते परिवार। मनुख अपना सारा जीवन व्यतीत करता है धन की खातर प्रभुता की खातर परिवार की खातर जिंदगी का होर कोई तीसरा लक्ष्य नहीं रहता। ऐसे ही मनुख नूं कहिंदे ने संसारी है प्रभुता भी बाहरों लभनी है धन भी बाहरों लभना ते परिवार के संबंध भी बाहरों ही जुड़ने। जीवन का लक्ष्य अगर यही है तो यह मनुख कदी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। जीवन का लक्ष्य अगर यही है तो यह मनुख कदी अदृश्य की खोज नहीं कर सकता। परिवार दृश्यमान है पति दिखाई देता पत्नी दिखाई देती है बच्चे दिखाई देते धन संपदा दिखाई देती है प्रभुता दिखाई देती है लोकी सलाम पे करते हैं लोकी झुकते पे ने लोकी परिक्रमा पे करते हैं तो प्रभुता दिखाई देती है। दृश्य जो दिखाई देता है उस दे प्रभाव हेठ जी के अपना सारा जीवन व्यतीत करना ऐसे ही मनुख नूं संसारी कहिंदे ने। संसार दे
बस बहुतात देच संसारी ने। कदी कदाई कोई एक अद मनुख अदृश्य तो प्रभावित हो जाता है, अखा ने वेख्या ते नहीं प्रभावित हो गए, अखा ने देखया ते नहीं अंदर मंग पैदा हो गई, अखा ने वेख्या ते नहीं अंदर तड़प पैदा हो गई है, प्यास पैदा हो गई है। तो ये प्यास भी अंदरों जा गई है, ऐसा मनुख अंतर्मुखी हो जाए, ऐसा मनुख सुकड़ जाए, उदे मन दा फैलाओ खेंडाओ सारा सुखड़ जाएगा, सिमट जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर मैं अर्ज करा दृश्य तो प्रभावित होना आम गल है, सारे ही हो जाते हैं। अदृश्य तो प्रभावित किमें होवेगा? सत्संग रेच प्रभु दी गल सुन सुन के, गुरु कोल बैठ के उस अदृश्य दियां गल्लां सुन सुन के। ते गुरु कोल बैठना कदों सफल होया? सफलता मिल गई है पहचान, मन अदृश्य तो प्रभावित हो गया, जो दिखाई नहीं देंदा सुन सुन के मन उदी मंग करन लगते, जो दिखाई ते नहीं देंदा उदी अंदर प्यास पैदा हो गई है। हुण ए प्यास तलाश करन ते मजबूर करेगी, लभना है। महाराज इत्थे कहिंदे ने दह दिसे ओ बैरागी पुरुष दसां दिशावां विच खोज करदा है, लभदा। इत्थों असी स्टेशन जाना होवे ते नवा बंदा होवे ते उहनूं पता ना होवे रेलवे स्टेशन दा, ओ फिर रस्ता पुछदा है, मैं रेलवे स्टेशन ते जाना है जरा रस्ता दस। जिहदे कोल रस्ता पुछदा है उहदे कोल ए नहीं पुछदा तू मुसलमान है, हिंदू है, जैनी है, बौद्धी है, क्रिश्चन है कि सिख है। रस्ता पुछना उसका मुद्दा है, रस्ता पुछना उसका प्रयोजन है। वो ये नहीं दसदा कोई भी दसे, ये नहीं पुछदा मैं किस दे कोलों पुछना है, मुसलमान होवे तां पुछना है दूजे कोल, हिंदू होवे तां पुछना है दूजे कोल नहीं। उत्थे मजहब जात पात वर्ण बे सारिआं नूं एक पासे रख के पुछदा है भई रेलवे स्टेशन में जाना है रस्ता दसो। जद भी परमात्मा दा रस्ता पुछना होवे तो फिर मनुख सोचदा है हिंदू है कि नहीं तां पुछिए, मुसलमान है कि नहीं, क्योंकि मुसलमान कह देगा बाकी ते काफर ने जो इस्लाम नूं नहीं मनदे ते काफर कोलो किवें पुछिए रस्ता। इस वास्ते रेलवे स्टेशन दा रस्ता पुछना है, किसे होर थां ठिकाने दा रस्ता पुछना है, रस्ते दा कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा है ते परमात्मा दे रस्ते दा झगड़ा है, बड़ा भारी झगड़ा है, बड़ा भारी कलेश है। इस वास्ते मैं आखदे हां बाहर दे रस्तियां बारे मनुख ज्ञानी हो जांदा है पुछ पुछ के, अंदर दा रस्ता जो अदृश्य दा है इहदे बारे जन्म तो लैके मरण तक अज्ञानी ही रहिंदा ना समझ रहे, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी कोलों भी पूछना। इस संबंध च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल बहुत प्यार करते सन ते जेड़े गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बहुत प्यारे लगते सन, भाई नंद मन न में गोयम
तोरा दैरो हरम में रवि, मैं नहीं कहिंदा तू किसे मंदिर दे जा किसे मस्जिद दे जा, मैं नहीं कहिंदा, मैं नहीं कहिंदा। भाई नंद लाल जी का यह बोल ना आता फिर मेरे को कहण की जरूरत भी नहीं सी। भावें गुरु ग्रंथ साहब च बहुत सारे ऐसे शब्द ने, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम, कोई भी हुण इत्थे शब्द कोई भी है, कोई भी, कोई आन मिला मेरा प्रीतम पिया हां तिस पे आप विचार। मैं अपने आप नूं कुर्बान कर दिया उस तों, कोई ते दसे रस्ता, कोई मन न में गोयम के तोरा दैरो हरम में रवे, मैं नहीं कहिंदा तैनू तू किसे मंदिर दी तरफ जा, क्योंकि मंदिर बहुत ने, बोधियां दे मंदिर, जैनियां दे मंदिर, सनातियां सनातनियां दे मंदिर, फिर मस्जिदां भी वख वख ने, शियां दी मस्जिद, सुनियां दी मस्जिद, अहमदियां दी मस्जिद, मुसलमानां दे च भी ये वंड है, ये शियां दी मस्जिद, ये सुनियां दी मस्जिद, ये अहमदियां दी मस्जिद, तीन फिरके तिना दे बहुत वड्डे हो गए और तिना दी आपस में दुश्मनी भी। मैं नहीं कहिंदा तू किसे मस्जिद दे जा, किसे दी मस्जिद दे जा, ते मैं ए भी नहीं कहिंदा तू किसे दे मंदिर दे जा, मन न में गोयम, मैं नहीं कहिंदा मन न में गोयम के तोरा दैरो हरम में रवे, हर जा में रव जान बे खुदा में रवे, जिधर भी जावे जावे रब वाले पासे, परमात्मा वाले, किधर भी जावे लक्ष्य परमात्मा रखे, जांदे ते ने वख वख थावां ते डेरे, साडा ते फलाना है बाबिया ने कारज सवार दिता है, साडा ते फलाने बाबे ने कम कर दिता है, फलाने पीर ने कम कर दिता है, ये भावें मस्जिद दे च गया, भावें मंदिर दे च गया, भावें गुरुद्वारे गया, ये गुरु दी तरफ नहीं गया, प्रभु दी तरफ नहीं गया, किसे पीर दी तरफ गया, किसे बाबे दी तरफ गया, ये परमात्मा दी तरफ नहीं गया। नंद लाल कहते ने किधरे भी जा मैं नहीं रोकता, और मैं तेनू ये भी नहीं आखांगा तू फलाने दी मस्जिद दे जा फलाने मंदिर दे जा, मन न में गोयम के तोरा दैरो हरम में रवे, हर जा में रवे जानवे खुदा में बाश, जिधर भी जावे जावे रब वाले पास, किधरे भी जा जामी परमात्मा दी तरफ जांदे ने लोकी, मंदिर परमात्मा दी तरफ नहीं जांदे, ये भी महसूस करते, लक्ष्य कोई हो रही हो जांदे ने लोकी मस्जिदां विच, अल्लाह दी तरफ नहीं जांदे, नहीं जांदे। बाबा भी किसे दा होवेगा किसे दा नहीं होवेगा, ये पीर भी किसे दा होवेगा किसे दा नहीं होवेगा, अल्लाह ते सारयां दा, पीर दे नां ते झगड़ा हो सकदा है, किसे देवी देवते दे नां ते झगड़ा हो सकदा है, अल्लाह दे नां दा झगड़ा नहीं आउंदा, जद भी झगड़ा आउंदा है किसे पीर फकीर दा आउंदा है, किसे डेरे दा आउंदा है, किसे व्यक्ति दा आउंदा है, परमात्मा दे नां दा झगड़ा हो ही नहीं सकदा, क्यों ओ ते सारयां दा इक है, तू सांझा साहिब बाप हमारा, हर जा में रवे जानबे खुदा में बास, जिधर भी तू जावे जावे रब वाले पासे, बहुत खुला दिल चाहिए, बड़ा खुला दिमाग चाहिए, बड़ी गहरी दृष्टि चाहिए, ये हर मनुख की सोचनी नहीं हो सकती।
जानते ने लोग धर्म मंदरां दी तरफ, लक्ष्य परमात्मा नहीं आता, लक्ष्य खुदा नहीं आता। और ये धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनल भगत, मैं नहीं कहता तू इस मंदिर दे जा इस मंदिर दे च नहीं, तू इस मस्जिद दे जा इस मस्जिद दे च नहीं। हर जा मेरा भी जिधर भी जावे तेरी मर्जी, पर जानबे खुदा में बाश, जानब जाना तेरा उस तरफ होवे जिधर खुदा परमात्मा। जब मनुख दे अंदर परमात्मा की तड़प पैदा हो जाती है, खिच पैदा हो जाती है, वो फिर किधरों भी परमात्मा की गल हो रही होवे सुनन नूं राजी हो जाता है। औरंगजेब ने सरमद नूं दिल्ली दे लाल किले विच इस वास्ते कतल किया, जो उसके बोल सन ते जो दिया जो उसका व्यवहार से बोल के सी। उहदी एक नजम मैं तुहाडे सामने रखा। सरमद कहिंदा है, सरमद बा कूचा इश्क बदनाम छोदे। हे खुदा, जद मैं लोकां दियां गलियां विच लोकां वास्ते घूमदा सी, मैं फकीर सी, मैं संत सी, लोकी मैनू मनदे सन। सरमद बा कूचा इश्क बदनाम छोदे, पर खुदा जिस दिन दा मैं तेरी गली विच आया, तेरे प्रेम करके तेरे कूचे च आया, हुण चारों पासे बदनामी बदनामी, हुण चारों पासे तौमता ही तौमता, हुण चारों पासे इल्जाम तराशियां ने। थोड़े दिन होए मैं बोल पढ़ रहा सी लाउत्से दा, भावें 17 सफ़ियां दी ये किताब है, लंबी चौड़ी ने, व्याख्या लिखण वालिया ने भावें 400-500 सफ़े ला दिते ने, मूल रूप दे 16-17 सफ़े दी किताब है, चीन दे सब तो वड्डे संत दे। उहदे कोलों किसे ने पुछ लिया, संत किनों कहिंदे ने? दो बोलां च ही जवाब दिता, जिहदे बोलां नाल जगत सहमत ना होवे ते विरोधता करे समझ लो संत। हैरान होया मैं ते हैरान हो गया। और ये मामूली पद्धर दा संत नहीं है, सारा चीन उसका उस ढंग नाल सत्कार करता है जिवें भारत विच अवतारी पुरुष पूजे जाते, इस तरह सन्मान करता है। सारा चीन उसका इस ढंग नाल सत्कार करता है। छोटा जिहा 17 सफ़ियां दे उहदा ग्रंथ, थोड़े जिहा बोल, प्रश्न भी चीन दे राजे ने कीता सी, सानू किस तरह पता चले ये संत है, सानू किस तरह पता चले ब्रह्म ज्ञानी है। तुसी ते यही आखोगे जेदी बड़ी लंबी लाइन लग के पूजा आउंदी है, प्रतिष्ठा आउंदी है, लोकी परिक्रमा पे कर देन, एन ट्रकां दे ट्रक बसां दियां बसां भर के डेरे चलिया जांदियां, यही आखोगे जगत भीड़ तो प्रभावित होंगे। ते महात्मा बुद्ध कहा करते सन, भीड़ दे बेड़ा ही आउंदियां ने, भीड़ दे मनुख नहीं आउंदे, गुस्ताखी में भेड़ा ही आउंदे, एक भेड़ जिधर जाती है सारिया भेड़ा चल पैं। संत कौन है, ऐसी किवें जानी है, किवें पहचानी है? तो लातसोई ने कह दिता, राजन जिस नाल जगत सहमत ना होवे, सिर्फ सहमत ही नहीं विरोधता करे, सिर्फ विरोधता ही नहीं तशद्दद करे, उससे तशद्दद करे, उन्हों संत कहते। क्या वक्त दी हकूमत गुरु नानक नाल सहमत होई, बाबर ने जेल विच पा दिता। क्या वक्त दा समाज सहमत होया,
लोगों ने पत्थर मारे पूतना बेताला आख्या स्वयं बेदी सहमत ना हो। 20 रुपया बदले है, पिता भी खिंच के दो थप्पड़ मारदा है। ईसा कहिंदे होंदे सन, उहदा भी एक बोल तुहानूं सुणा दिआं। संत किहनूं कहिंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी किहनूं कहिंदे ने, जिहड़ा अपनी बिरादरी दे च फिटकारे आ जाए, अपने शरीकां दे च फिटकारे आ जाए। जिहदे नाल अपने ही शरीक होने रिश्तेदार कदी सहमत ना हो, वो इंज कहता है। क्या वक्त दी हकूमत गुरु अर्जन देव जी नाल सहमत हो? तत्ती तवी ते बिठाया। अज तक किसे कातल नू, चोर ते डकैत नू भी इस तरह दियां सजावां नहीं दितियां गईयां जितनियां संत नू। उबलदी देग दे च बिठाया, गरम गरम रेता पाया, फिर छालिया नाल जद शरीर भर गया, इहदे वास्ते ठंडा पानी चाहिदा सी। उहना दिनां विच बर्फ लभणी बड़ी औखी, गर्मियां दे दिन जहांगीर शराब पींदा हुंदा सी, बर्फ कश्मीर तों मंगांदा सी, 100 ऊंठां दे उत्ते लद के बर्फ आउंदी हुंदी सी, पहाड़ां दी संभाल के लैंदे सन। 3 हिस्से पिघल जांदे सन, 4th हिस्सा लाहौर तक पहुंच जांदा सी। बर्फ नहीं सी आ, छाले निकले होवन, खून वगरे होवे, ठंडा पानी होर दर्द करदा है। तो रावी दा पानी, ठंडा पानी हिमालिया पर्वत तो आउंदी है धारा, रावी दे च खड़ा कीता ताकि पीड़ा हो गए। क्या वक्त दी हकूमत सहमत होई? क्या समाज सहमत होया? क्या शरीक वड्डा बिरा बाबा प्रीति चंद सहमत होया? क्या वक्त दी हकूमत 6वें पातशाह नाल सहमत होई? ग्वालियर दे किले च कैद, मेरे पढ़न दे चाया जड़ी तुसी थे चौकी साहब देखते हो, कि जदो पंजाब तो संगतां ग्वालियर जांदियां सन, किले दियां परिक्रमा करदियां सन, बाणी पढ़ पढ़ किले दे अंदर ते जा नहीं सकदे सन, बड़ा जबरदस्त पहरा। 12 परिक्रमा करके मथा टेक के बाणी दे गीत अलाप के आ जांदे सन। उस दिन तो ये चौकी चली। क्या समाज ते बनावटी धार्मिक लोग 6वें पातशाह नाल सहमत होए? कतई नहीं। सियालकोट दे गमजा हौस ने ते महाराज देते सीधी तरक कर दिती। महाराज घोड़े ते असवार सन, बच्चे नाल सन, सुपत्नी नाल, जगत माता नाल सी। सिंह भी घोड़िया ते असवार, ए फकीर दरगाह तो बाहर निकलिया, देखदा है शानो शौकत, उच्ची आवाज नाल कहिंदा है, दौलत की ते फकीर की, इस्त्री की ते फकीर की। फिर कहिंदा है पुत्र की ते फकीर की, क्योंकि सतगुर दे साहबजादे नाल सन, पुत्र की ते फकीर की। फिर हिंदू की ते फकीर की, ए शब्द लिखे। भाव भारतीयां दे च, हिंदुस्तानियां च कोई संत पैदा ही नहीं हो सकता। दौलत की ते फकीर की, इस्त्री की ते फकीर की, पुत्र की ते फकीर की, हिंदू की ते फकीर की। सतगुर ने घोड़े नू रोकया, आख्या फकीरा सुन, दौलत गुजरान, इस्त्री ईमान,
पुत्र निशान फकीर ना हिंदू ना मुसलमान केड़े चक्कर च पे तो केड़े चक्कर च पे। वक्त दा समाज बनावटी धार्मिक लोग ते हकूमत के छेवें पातशाह नाल सहमत होई नहीं। क्या वक्त दी हकूमत गुरु तेग बहादुर साहब नाल सहमत होई? क्या शरीक सहमत होए धीरमल ने ते गोली चला दी सी गुरु तेग बहादुर साहब? अपनी तरफों ते निशाना शिया मसंद दे राही सीने दा बनवाया है, गल वखरी है। गोली चरना च लगी जाके नहीं लगे, लेकिन इरादा ते नेक नहीं सी। शरीक रिश्ते दा हिस्सा ठीक कहंदे ने, संत दी पहचान जिस नाल शरीक सहमति ना हो, बिरादरी सहमति ना हो। वक्त दा समाज ते हकूमत गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल सहमत नहीं होए। बाई धार दे राजे वक्त दी परबल हकूमत औरंगजेब ते बाई धार दे राजे सोडी और देश दा समाजिक ढांचा गुरु गोबिंद सिंह नाल सहमत नहीं होया। ए भी मैं इस कर बाई धार दे राजे लड़दे रहे, औरंगजेब लड़दा रहे, समाज मुखालफत करदा रहे। ऐ फकीर तलवार चुक लई है, बंदूक चुक लई है। वक्त दी हकूमत दे करिंदियां ने ते कह दिता सी, महाराज थोड़े हथ विच माला तस्बी चंगी लगती है, बंदूक नहीं तलवार नहीं। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं जफरनामा महाराज कहिंदे ने, बालाचार गई दरम्या आम दम, बतदबीरो तीरो तो फंग आम दम। मैं बिल्कुल लाचार हो गया, मजबूर हो गए, तलवार चुकी है। तलवार चुकना मेरी खुशी बिल्कुल नहीं है, पुकी है। तलवार उठाना मेरा आनंद नहीं है, मेरी खुशी नहीं है। की है? लाचारी मजबूरी। बलाचार गई ते सतगुरु दे अपने बो, बलाचार गई दरम्या आम दम, बतिद बीरो तीरो तुफंग आम दम। की लाचारी है? कोई जालम और दुष्ट अपने पैरां थले मजलूमां नू लिताड़े, देश दी संस्कृति नू मिटावे। मैं हाथ जोड़ के उदे पैरां नू रोकण दी कोशिश करांगा, तू रुक जा, क्योंकि तू चलदा मजलूम कुचले जांदे, तू चलदा संस्कृतियां बर्बाद होंदियां ने, देश दी रूपरेखा मिटदी है। तेरे कदमां दे थरे कितने बेकसूर लिताड़े जा, तू कदम रोक अपने। मेरे हाथ जोड़न नाल अगर वो अपने कदम नहीं रोकता, उदे पैरां नू तोड़ के उन्हों रोकना मैं अपना धर्म समझ। गुरु गोविंद सिंह, चूंकारज हमा हील ते दर गुजस्त, हलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। हलाल है, जायज है, धर्म है, ऐसे जालम दे पैर तोड़ के उन्हों रोकना। एक किधरे पैर गुरु गोबिंद सिंह ना तोड़ दे, ना देश दे च मंदिर होने सन, ना गीता रामायण दी कथा होनी सी, ना भारत दा ये ढांचा होना सी। इस दा ढांचा यही होना सी जो अफगानिस्तान दा, जो उज़्बेकिस्तान दा, जो तुर्कमेनिस्तान दा, जो इंडोनेशिया ते मलेशिया दा, सारा उत्थे बौद्ध धर्म सी और सनातन मत सी। अज नहीं, यही कुछ इत्थे होंदा सी। चला जो काफला शाने इस्लाम, डूबा वो गंगा के दहाने पे जाकर। इकबाल भी कहना है,
बड़ी शान और शौकत दे नाल जो इस्लाम दा काफिला चलिया सी ईरान नू काबू कर, अफगानिस्तान नू काबू कर, तुर्कमेनिस्तान नू काबू कर, उज़्बेकिस्तान नू काबू कर, रशिया दे छोटे छोटे इलाकियां नू काबू कर, हिंदुस्तान दे ते डुब गया। हिंदुस्तान दियां नदियां सी किने डोब दिता, ये डोबिया गुरु गोबिंद सिंह। हलाल अस्त बुरदम ब शमशीर, हलाल है जायज है ऐसे जालम दे पैरां नू रोकना। क्या शरीक सहमत होए? स्वयं लिख देने अला यार खां जोगी, आदा ने कभी तुझको समल ने ना दिया था। आदा अदावत, शरीकां दी अदावत, हकूमत दी अदावत, सोडियां दी अदावत, बिरादरी मसंदां दी अदावत, सब दी अदावत दुश्मनी। आदा ने कभी तुझको संभल ने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था, कांटा दिले पर हों से निकलने न लिया था, जिस रण में लड़ा तो सरो सामान लड़ा तो। ये अला यार खां एक मुस्लिम शायर कहता है, अदावतां चारों पासे सन, समाज, हकूमत, शरीक। फिर मैं लाओत्से दा वचन दोहरावा, जद चीन दे बादशाह ने पूछिया संत नू किवें समझिए, संत कोई बुझी हुई राख दी तरह नहीं आउंदा, मड़ी नहीं आउंदा, उते जल्दी हुई ज्वाला आउंदा, जेदे च मनुख दे भरम अग्ञान वहम तमात जल के खाक हो जांदे। जो शोले दी तरह नहीं, जो ज्वाला मुखी दी तरह नहीं, संत केड़ी गल? नाश कर देगा मनुखां दे वहम तुमात भरम अज्ञान अंधकार नाश कर देगा, वो तो एक शोले दी तरह होंगे। असी किवें जानिए ये संत है? तो लालसे कहिंदा जिहदे नाल संसार बिल्कुल सहमत ना होवे संत। निरा ए ही नहीं मुखालफत करे, निरा इतना ही नहीं संसार मारन नो आ जाए। संसार पेड़ नाल खुश होंदा है, एक दे पिछे दूजा चल रहे, ये कौन है जिहड़ा पेड़ दे चो निकल रहा है, अलग हो रहा है, नहीं अलग होण दे, खिंचणगे तोड़नगे। और मुखालफत जो है करणगे। सरमद कहिंदा है, ऐ मेरे खुदा, मैं लोकां दियां गलियां च घुमदा हुंदा सी, बड़ी मेरी इज्जत, फकीर साई मैनू लोकी कहिंदे सन, किधरे किधरे फुल्लां दी बरखा भी करदे सन, मेरा हर तरह दी उपजीविका दा बोझ भी इन्हां सारिआं ने चुकिआ होया, मेरी पूजा भी करदे सन। जद मैं लोकां दियां गलियां दे घुमदा सी, सरमद बकूचा इश्क बदनाम सुधी, पर ऐ मेरे खुदा, जिस दिन मैं तेरी प्रेम दी गली चो लंघिया, हुण कोई फुल्लां दी बारिश नहीं करदा, पत्थरां दी बारिश करदा। हुण कोई सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, सहमत नहीं आता, पुकी सहमत नहीं आता। सरमद बकूच इश्क बदनाम शुदी, अज दीने यहूद सुवे बा इस्लाम शुदी। कहिंदा मेरे मां बाप यहूदी सन, हजरत मूसा नु मनण वाले। मैं सूफिया दी संगत की थी, उत्थे मस्ती दे कुरान दी तलावत करदे मैं देखे, कुछ मस्ती दे खुदा दे गीत गांदे हुए मैं देखे, यहूदियां तो मैं मुसलमान हो गया। इंज कहंदे, ध्यान नाल सुनना, ये उहदा अपना बोल है, नगमा सरमद उहदा ग्रंथ है।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सन 47 दे देश की आजादी तो बाद जो सब तो पहला विद्या मंत्री बनाया गया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उदी एक किताब है हिंद के उलमा व अकराम, हिंद के उलमा व अकराम, हिंदुस्तान के जो ऋषि मुनि होए, पीर फकीर होए, पैगंबर उन्हां दी दो दो तीन तीन सफ़ियां विच उन्हें खूबियां बयान कीतियां। उन्हां दा जिन्हां जिन्हां नाल संघर्ष होया कुछ इसका भी जिक्र किया, और आप सुन के हैरान हो गए उस महान आलम फाजल ने सरमद का जिक्र किया। उत्थे वो लिखता है ऐ औरंगजेब, हो सकता है आपके तमाम गुनाह खुदावन ताला माफ कर दे। वो बहु अक्खर टू अक्खर मैं थानू सरवण करा रहे हैं। हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबले माफ है, खुदा माफ नहीं करे। इंज लिखता है, ठीक है मुसलमान सन, हिरदा कुरान की तलावत नाल भरे होया है, वरना एक कदम होर चल के ए भी लिख सकते सन ऐ औरंगजेब, हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, पर आपके राजपाठ में धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले उनको दीवारों में चिन्हना, ये जुर्म नाकाबले माफ है, नाकाबले माफ है। त्याग और वैराग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब को चांदनी चौक में शहीद करना नाकाबले माफ है, ये सत्रां उसने नहीं लिखी। ये मैं अपनी तरफों गिले दे रूप में सुना रहा, क्योंकि अपना उसका हिरदा अपने संस्कार अगे आ गए, तो मैं अर्ज करा सरमद कहिंदा है खुदा जिस दिन दा तेरी गली चो लंघिया हुण पूजा प्रतिष्ठा कोई नहीं, पागल कहिंदा है, पागल कहिंदा है। कई दफा ते उन्हों पकड़ के हकीमा ते वैदा को ले भी गए, बेदा कुछ इलाज करो, क्यों नंगा हो गया से, नंगा हो गया से, कपड़े नहीं पहनता से, एक एक करके सारे कपड़े ला दे। ए, इस दे उते पूरा अमल कर रहा सी, नांगे आवन नांगे जा, आया नंगा हां ते जाना भी नंगा है, विचकार है मुसीबत उठाने दी की लोड़ है, नहीं पहनदा ला देते। नगन गुमदा सी, इनू पकड़ के औरंगजेब दी कचहरी च पेश कीता गया। इस्लाम देश कोई नंगा नहीं आता, जैनिया चाहते ने, हिंदुआ चाहते ने नंगे सब, ये मुसलमान होके इस्लाम दियां धजियां उड़ांदा पिया, इनू सजा दिती जाए, ये काफर है। पर आप सुन के हैरान हो गए, वो कबूल ही नहीं करता मैं मुसलमान, ध्यान नाल सुनना। सरमद बा कूच है इश्क बदनाम शुदे, अज दीने यहूद सुए बा इस्लाम शुदे, मां बाप यहूदी सन तो फिर जन्म तो मैं यहूदी। धर्म कोई मां बाप तो नहीं मिलता, अपनी खोज नाल मिलता। धर्म कोई जन्म तो नहीं मिलता, साधना नाल मिलता है, जीवन तो मिलता, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं।
जन्म तो कोई सिख भी नहीं है, जो मैं कह दिया सिखी सिखिया गुर विचार, जो गुरु दी विचार दे मुताबिक जींदा सिख है। जन्म तो किस तरह हो गया, जो गुरु दी रज़ा विच जींदा है, जो गुरु दे मार्ग ते चलदा है, जो गुरु दे विचारां दे मुताबिक जींदा है सिख है। जन्म तो कोई धार्मिक नहीं है, जीवन तो धार्मिक होगा, साधना तो धार्मिक होगा। मैं संकोच वस होके सब कुछ थानू सुना रहा, क्योंकि मैं एक समाजिक जिहा बंदा ते समाज दे च रहना है। इतनी गल कर सी, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं है, जीवन तो धार्मिक है। सरमद कहिंदा है जन्म ते यहूदियां दे घर होया, मां बाप यहूदी सन तो मैं भी यहूदी। सूफियां कोल रब्बी कलाम कुरान सुने, बड़ी मस्ती च पढ़दे सन, बड़ी मस्ती च गांदे सन, मन प्रभावित हो गया ते मैं मुसलमान हो गया। सरमद कूचा इश्क बदनाम छुड़े, अज दीन है यहूद सुए बा इस्लाम छुड़े। हैगा ते मैं यहूदी सी, मेरा दीन यहूदी सी, मैं इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया। मालूम ना शुद्ध ए खुदा वंद अहमद, बरगश्ता बा सुवे लक्ष्मणो राम शुदे। कहिंदा फिर इन्हां सूफियां दी संगत दे च वी मैनू गहराई नसीब ना हो।